गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा है भारत माता, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, जो शेष है उसके आगे का हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। मैं जब किसानों के पास जाता, किसानों के बीच जाता, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान साइड, उत्तर कश्मीर से राजस्थान पंजाब का जो भाग है पाकिस्तान की तरफ वाला, उस साइड से में है खैबर का दर्रा। खैबर के दर्रे से लेकर धूर यानी बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता उन सभाओं में, और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं। पूरे देश में मैं कहीं भी जाऊं, पूरे देश के किसान मेरे से एक ही सवाल करते हैं। एक से सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, उनकी तकलीफें एक जैसी थी, उनके कष्ट उनकी समस्याएं एक जैसी थी। इसलिए पूरे देश के किसान सवाल भी एक जैसा ही करेंगे, क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी। क्या समस्याएं थी? यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे। गरीब थे वो, कर्जदार थे, और पूंजीपतियों के शिकंजे में कसे हुए थे। यानी पूंजीपतियों का दबाव था किसानों पर, क्योंकि वो उनके कर्जदार थे, क्योंकि किसान गरीब थे। जमींदार थे महाजन यानी बढ़िया सेठ, कड़े लगान, बहुत कठोर लगान व्यवस्था थी। लगान ज़्यादा लिया जाता था किसानों से अंग्रेज़ों के समय, और सूद और ब्याज लिया जाता था, लगान प्लस ब्याज। पुलिस के जुल्म, पुलिस भी किसानों पर अत्याचार करती थी, और ये सभी बातें गुथी हुई थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये सारी बातें उस ठड्डे के साथ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, उस सिस्टम के साथ, उस ठड्डे के साथ, जिसे ठड्डे का मतलब बोझ, उस बोझ के साथ जिसे विदेशी सरकार ने हम पर वो लाद रखा था। वरना लगान भाई, किसान के खेत में कुछ होगा तो लगान देगा, कुछ पैदा ही नहीं होगा तो काहे का लगान देगा। और हमारे देश में समस्या ये, कहीं तो फसल बिना पानी के जल जाती सूखे के कारण, और कहीं फसल अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण खत्म हो जाती, बड़ी समस्या थी। लेकिन इस बोझ के तले, अंग्रेज सरकार के बोझ के तले किसान दबा हुआ था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सभी लोग चाहते थे इस सिस्टम से सबको छुटकारा मिल जाए, और वो छुटकारा कैसे मिल सकता था? जब देश आज़ाद हो जाता, अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो जाता। मैंने इस बात की कोशिश की, मैं अपने भाषणों में, मैं अपने बातों में एक ही बात कोशिश करता लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, लोग अपने बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में पहले देश के बारे में सोचें, और देश के बारे में सोचने के बाद संसार के बारे में, दुनिया के बारे में सोचें। सबसे पहले अपने बारे में, फिर देश के बारे में, और फिर दुनिया के बारे में। जिसके हमें जुज हैं, जिसके हमें एक भाग हैं, जुज यानी भाग, हिस्सा, जिसके हमें एक भाग हैं, मैं अपनी बातचीत में, नेहरू जी कह रहे हैं किसानों से अपने भाषण में, कि मैं अपनी बातचीत में, लोग वो बता रहे हैं नेहरू जी की, जब मैं किसानों से बात करता तो मैं अपनी बातचीत में क्या करता, चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। यानी विदेश में जो स्थिति होती, कशमकश होती, असमंजस होता, उसकी भी मैं चर्चा करता। विदेश में जो असामान्य स्थिति बनती, उसकी बात भी मैं किसानों से, लोगों से करता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अतरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता,
मैं जनसभा में जब बात करता आमने सामने तो सोवियत रूस, आज तो रूस ही रह गए। रूस के 22 टुकड़े हुए थे, 22 या 24 टुकड़े, उससे पहले तक सोवियत रूस था और वो टुकड़े होने के बाद आज केवल रूस बचा है, अब सोवियत रूस नहीं है। मैं उन्हें सोवियत रूस यूनियन में होने वाली अतरस भरी आश्चर्य भरी तब्दीलियों का हाल ही बताता कि क्या क्या तब्दीलियां, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुआ, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, और उनको बताता कि देखो अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, कैसी उन्नति की है। ध्यान रखना हम किसके गुलाम थे, अंग्रेजों, अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था जैसे हम थे, लेकिन यह है कि हमसे पहले अमेरिका आजाद हो गया थोड़ा, लेकिन वो भी गुलाम अंग्रेजों के, हम भी अंग्रेजों के गुलाम। अमेरिका ने ज्यादा तरक्की कर ली, हम अमेरिका के आसपास भी नहीं थे जब अमेरिका तरक्की कर रहा था, हम तो गुलाम थे अंग्रेजों के, तो हमें भी उसी हिसाब से उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। अमेरिका जैसी तरक्की करना आसान काम नहीं था, इतना आगे बढ़ना, इतना विकसित होना, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था। आज भी तो देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा तो पिछड़े हुए नहीं है हम आज। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, कि भाई हमारे जो प्राचीन महाकाव्य थे हिंदी और संस्कृत के, उन महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों, प्राचीन महाकाव्यों में पुराणों में जो कथा और कहानियाँ होती थी, उन कथा और कहानियों में जिन्हें वे खूब जानते थे, वहाँ के जिन लोगों को मैं कहता पूरे देश के लोग पुराणों की बात, पुराने महाकाव्यों की बात, कथा कहानियाँ जो उनमें थी, उन बातों को खूब जानते थे देश के लोग, उन्होंने इस देश की कल्पना करा दी थी। पुराने महाकाव्य और पुराण उन्होंने देश की कल्पना करा दी थी, और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी। जहाँ जहाँ मैं जाता जिन लोगों से मिलता उनमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो पूरे देश की यात्रा कर रखी थे, मतलब तीर्थ यात्रा कर रखी थी। और तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता है भाई, हमारे देश में तीर्थ यात्रा करने का यह है कि चार धाम है हमारे देश में, आपने सुना हो, कितने धाम हैं, चार धाम हैं, और वो चारों देश के चारों कोनों में, चार धाम देश के चारों कोनों में, उत्तर में अमरनाथ, दक्षिण में कन्याकुमारी, तीर्थ स्थान है, इधर गुजरात में मथुरा, मथुरा तो कहाँ है गुजरात में, थोड़ी है सोमनाथ मंदिर, और इधर जगन्नाथपुर, हो गए चार धाम। और ये चार धाम देश के चारों कोनों में, चारों तरफ है, मतलब कोई तीर्थ यात्रा पर, देखो हमारे धर्म ग्रंथों में भी हर बात एक तर्क के साथ, हर बात एक लॉजिक के साथ बताई है कि तीर्थ यात्रा भी की तो कम से कम वो देश की एकता तो उससे जुड़ी रहे, यात्रा करे तो पूरे देश का तो भ्रमण करे व्यक्ति, इस तरह से तीर्थ यात्रा कर रहे की थी बहुतों ने जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते अंग्रेजों के समय के, उन लोगों में जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की, जिन्होंने कोई बड़ा युद्ध में, क्योंकि 1919 प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, और जो छोटे मोटे जो धावे होते हैं, आक्रमण होते हैं, उनमें भाग लिया था, और इस सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी उन्होंने। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, रुपए पैसे का संकट हो गया था 1930 के बाद, इसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे, तब मैं दूसरे मुल्कों के दूसरे देशों के बारे में बताता तो मेरे हवाले, मेरी बातें, मेरे उदाहरण उनके आसानी से समझ में आ जाते थे, किनके, हिंदुस्तानियों के, जिन लोगों को नेहरू जी भाषण देते थे उनके। कभी ऐसा भी होता जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, जलसा समारोह कार्यक्रम, जब मैं किसी समारोह में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर से किया जाता, भारत माता की जय का नारा लगाया जाता था। जब मैं कभी किसी समारोह में पहुंचता, जलसे में पहुंचता, तो पब्लिक जो लोग होते वो क्या करते,
भारत माता की जय का नारा लगाते थे धीरे से बहुत जोर से। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, भाई तुम नारा लगा रहे हो भारत माता का, लेकिन भारत माता का नारा लगाने से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है ये नारा लगाने से, यह भारत माता कौन है जिसका तुम नारा लगा रहे हो, यह भारत माता है कौन, क्या जानते हो क्या, जिसकी वे जय चाहते हैं, जिसकी तुम जय बोलते हो। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता था, जब मैं उनसे सवाल करता तो मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल आश्चर्य और ताज्जुब होता था। कुछ जवाब न बन पड़ने पर भाई अब वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि भारत माता कौन है, क्या चाहते हो, तुम जय किसकी बोलते हो, तो या तो वो क्या करते, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते लोग, और या फिर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगते। मैं सवाल करता ही रहता उन लोगों से, आखिर एक हट्टे कट्टे जाके जब मैं पूछता कि भाई आप बताओ, तो वो लोग उत्तर नहीं देते, उत्तर नहीं देते तो क्या करते, या तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहते और या फिर मेरी तरफ देखने लगे। और जब मैं बार बार उनसे सवाल पूछता ये सवाल, तो एक हट्टा कट्टा जाट, जानते हो ना जाट, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है, जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से, उसके पिता उसके दादा दादा परदादा सरदादा जो भी है, पता नहीं कितने समय से किसानी करते आ रहे थे, किसानी यानी कृषि का काम, खेती करते आ रहे थे। उस जाट ने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया, भारत माता से उनका मतलब धरती से, क्या जवाब दिया, भारत माता से मतलब देश की धरती से। तो नेहरू जी फिर सवाल करते, कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती, भाई तुमने कहा अभी, जाट ने जवाब दिया साहब धरती से भारत माता का मतलब, कौन सी धरती, तुम्हारे गाँव की धरती, तुम्हारी तहसील की धरती, तुम्हारे जिले की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, पब्लिक से वो बात करते, सवाल करते, जवाब मिलते, कुछ के ज़्यादातर के नेहरू जी खुद ही देते, यहाँ तक कि वे उठकर मुझसे कहने लगते, मैं ही बताऊँ, पब्लिक थक जाती और पब्लिक ये कहने लगती कि साहब आप ही बताओ, किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, कि तुम जो जानते हो, जो तुमने समझ रखा है वो पूरा हिंदुस्तान, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है, जो तुम जानते हो उससे भी ज़्यादा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, बहुत प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग और मेरे जैसे लोग, हिंदुस्तान के लोग और मेरे जैसे लोग हैं जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता कौन है, देश में रहने वाले सवा अरब, सवा सौ अरब जो लोग हैं वो भारत माता है। वो करोड़ों का आ गया, उस समय आबादी करोड़ों में थी, आज सवा सौ अरब है। और भारत माता की जैसे मतलब हुआ, अब पता चल, अब ध्यान, अब आंसर निकल रहा है, भारत माता की जैसे क्या मतलब है, भारत माता की जैसे मतलब हुआ इन लोगों की जय का। भारत माता की जय बोलने का मतलब सवा सौ अरब हिंदुस्तानियों की जय जयकार करना। मैं उनसे कहता कि तुम इसी भारत माता के अंश हो, जिसकी जय बोलते हो तुम भी उसके एक भाग हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। इस तरह एक तरह से जितने इस देश में लोग हैं सारे भारत माता के एक अंग हैं, हिस्से हैं। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, आंखों में चमक आना बहुत खुशी हो। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है, क्वेश्चंस देखिए, पाठ के साथ साथ छवों क्वेश्चन करने हैं, एक से लेके छह तक पाठ के आसपास, दूसरा करना है और चौथा करना है पाठ के आसपास में, दूसरा और चौथा, बस यही करना है।
कल दूसरी बुक लेकर आएंगे आप लोग, ठीक है? धन्यवाद। दूसरी बुक होनी चाहिए आप लोगों के पास।